जगेगा जागेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। पावन है भावन है गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान मेरा गुरु ज्ञान, जानेगा सारा जहान, जानेगा सारा जहान। विद्यार्थियों को आत्मिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षक क्या करे? शिक्षक विद्यार्थियों को पहले तो चुप होकर ईश्वर में खोकर उनके मंगल की कामना से बोलने, सीधी बात है। जैसे मैं अभी चुप हो गया, समझ गए? तो आप अगर आध्यात्मिकता में ईश्वर में शांत हो जाओगे और बच्चों का मंगल हो, वही आप बुलवाएं गुरुदेव इष्ट देव, तो अपने आप फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहीं कोर्स करने जाता हूं कि लोगों का भला कैसे करूं? कोई है क्या ऐसी यूनिवर्सिटी जो मुझे वो कोर्स करा दे ताकि ये इसमें चलाऊं? ऐसी कोई है क्या स्कूल कॉलेज जहां से मैंने कोर्स किया हो? बस है, कोई है कि ईमानदारी से परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में शांत हो जाए और इनका मंगल कैसे हो आप ही? बस हो गया, मेरे को और कुछ सीखने नहीं जाना पड़ता, बस हो गया। एकाग्रता और अनासक्ति पर हित की भावना, बस हो गया। तो आप इस पर हित की भावना से ईश्वर में थोड़ा एकाग्र हो जाए तो फिर विद्यार्थियों का भला होगा। जो अपने स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते ने उनके लिए भी यही सिद्धांत है, और अपने घरों में बच्चों का भला चाहते हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत है, और जो संत महात्मा दूसरे भक्तों का मंगल चाहते हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर में शांत हो जाओ ईमानदारी से और आसक्ति को अलविदा दे दो। अनासक्ति और एकाग्रता, ये दो सिद्धांत अगर आपने अपना लिए तो किसी भी विषय में आपको अड़चन नहीं पड़ेगी। चाहे सत्संग करो, चाहे धंधा करो, चाहे सेवा करो, चाहे युद्ध करो, चाहे कुछ भी करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अगर फिर से पढ़ना पड़े तो मैं दो विषय पढ़ूंगा, अनासक्ति और एकाग्रता। तपाशु सर्वेशु एकाग्रता परम तपः, एकाग्रता परम तप है। और अनासक्त हो गए तो आहा, त्यागात शांति निरंतरम। जब परमात्मा शांति मिला तो उसके रस के आगे तुम्हारा सुगंध के रस की क्या कीमत है, काम विकार के रस की क्या कीमत है, वो तो सत्यानाश कर देता है। वाहवाई के रस की क्या कीमत है, मेरी कोई जय बोलता तो मैं टोक देता हूं, क्योंकि मुझे वो कोई जय बोलता उससे रस नहीं आता, मेरा रस में वो डिस्टर्ब करता है। मेरे को जो दूसरे के मंगल करने में जो रस आ रहा है अनाशक्ति में, आसाराम बापू की जय बोलते तो मेरे को डिस्टर्ब करता है। तो मैं टोकता हूं नारायण नारायण, नहीं तो दूसरे लोग खुश होते हैं और जोश में आते हैं। कोई उनकी जय बोले, नारेबाजी करे, फलाने नेता की जय, फलाने गुरु की जय, तो उनमें भी अपना आ जाता है, उसमें आ जाता है तो अहम ही जोर पकड़ेगा। कोई अपनी जय बोले और अपने को थोड़ा उत्साह आ जाए तो ये ईश्वर का संदेश नहीं है, ये अहम की बदमाशी है। तो काय को जय बोलने के चक्कर में पड़ना, 84 के चक्कर से छूटने के लिए तो मनुष्य जन्म हुआ, और फिर मरने वाले शरीर की जय बोलवा के चक्कर में क्यों पड़ो बाबा?
मरने वाले शरीर का नाम भी मिथ्या, मिथ्या नाम के लिए मेरा नाम चले, मेरा पंथ चले, मेरी संस्था चले, इस मोह माया में पड़कर ईश्वर से दूर होकर लोगों का दुरुपयोग करके अपने नरकों में क्यों जाना? लोगों की श्रद्धा का दुरुपयोग करें तभी अपनी वासना पूर्ति होगी। कोई भी वासनावान व्यक्ति उसके संपर्क वाले का शोषण के बिना नहीं रहेगा, और निर्वासनिक योगी संपर्क में आने वाले का पोषण के बिना नहीं रहेगा। इसलिए सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, शोषित करके छोड़ देगा। और संतों के साथ, संत माना जिसके वासनाओं का अंत हो गया, ईश्वर में विश्रांति, फकीरों के साथ भिक्षा, फकीर का मतलब ये नहीं भिख मंगे हैं, जिसने संशय की फाकी की और अपने आत्मा को जाना उसको फकीर बोलते, फकीरों के साथ भिख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला देगा।